कल हमने मतदान व्यवहार के संबंध में चर्चा की थी और मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कुछ तत्वों का हमने अध्ययन किया था। आज हम कुछ अन्य तत्वों के बारे में बातचीत करेंगे जो मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं, जिनमें से हैं राजनीतिक दलों की विचारधारा, कार्यक्रम और नीति। भारतीय मतदाता यद्यपि बहुत अधिक नहीं, लेकिन कुछ सीमा तक राजनीतिक दलों की विचारधारा, कार्यक्रम और नीति से प्रभावित होते हैं। इस संबंध में वे सकारात्मक विचारधारा और कार्यक्रम को पसंद करते हैं। जैसे 1971 में लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को मत दिया गया। 1977 में जनता पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रम लोकतंत्र की रक्षा को जनता ने अपना समर्थन दिया। 2014 में भाजपा के सुशासन और विकास के पक्ष में मत दिया गया। हालांकि भारतीय जनता जानती है कि भारतीय दलों के कार्यक्रम केवल दिखावे के होते हैं, वास्तविक नहीं, इसलिए यह तत्व ज़्यादा प्रभाव नहीं डालता। अगला है जातिवाद। यह एक प्रमुख तत्व है जो मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, केरल में इसका प्रभाव सबसे अधिक है। हालांकि लोकसभा चुनाव में इसका प्रभाव कम होता है। अगला तत्व है क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति। भारत के कुछ राज्यों में क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति भी प्रबल है। तमिलनाडु में गत कई दशकों से क्षेत्रवाद के कारण डीएमके और अन्ना डीएमके को प्रभावशाली स्थिति प्राप्त रही है। पंजाब में अकाली दल की सफलता का भी एक प्रमुख कारण क्षेत्रवाद ही है। पश्चिम बंगाल, केरल आदि राज्यों में भी क्षेत्रीय दलों की सफलता का प्रमुख कारण यही है। लोकसभा चुनाव में भी इसकी प्रमुख भूमिका रही है। अगला है भाषाई स्थिति। भाषा का तत्व भी भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। 1967 तथा 1971 के चुनाव में डीएमके ने हिंदी विरोध के नाम पर समर्थन प्राप्त किया। 1977 के लोकसभा चुनाव में दक्षिण भारत में जनता पार्टी की असफलता का कारण यह रहा कि दक्षिण भारत में व्यक्ति जनता पार्टी की भाषा नीति के संबंध में पूर्णतया आश्वस्त नहीं थे। अब इस तत्व का प्रभाव कम हो रहा है। अगला है युद्ध में सफलता असफलता। 1962 में भारत की पराजय का 1963 में संपन्न लोकसभा के उपचुनाव तथा 1967 के आम चुनावों पर प्रभाव पड़ा। 1971 में की युद्ध की जीत 1971 में भारत पाक युद्ध में जीत ने 1972 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की विजय को सरल कर दिया। करगिल सफलता ने एनडीए को स्पष्ट बहुमत की दिशा में आगे बढ़ाया। इस प्रकार युद्ध की सफलता असफलता का भी चुनावों पर प्रभाव पड़ता है। अगला है शासन की क्षमता अक्षमता का प्रश्न। जब कोई राजनीतिक दल शासन करने में सक्षम सिद्ध होता है, तब वह जनता का समर्थन खो देता है। 1980 के चुनाव में इंदिरा कांग्रेस का नारा था, ऐसी सरकार चुनिए जो शासन कर सके। अगला है आर्थिक साधन। आर्थिक साधन भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं, लेकिन 1977 के लोकसभा चुनाव तथा उसके बाद के कुछ चुनावों ने स्पष्ट कर दिया कि आर्थिक साधन निर्णायक रूप से चुनावों को प्रभावित नहीं कर सकते। राजनीति का सबक यह है कि आर्थिक साधनों का चतुराई भरा उपयोग राजनीतिक दल और उम्मीदवारों को लाभान्वित करता है। इन तत्वों के अलावा कुछ अन्य तत्व भी हैं जो मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। वे अन्य तत्व इस प्रकार हैं। 1, जब कोई राजनीतिक दल जनता के रोज़मर्रा के जीवन से जुड़े किसी प्रश्न पर आंदोलन खड़ा करने में सफल होता है, तो वह चुनाव में लाभान्वित होता है। 2, चुनाव प्रचार का प्रभाव राजनीतिक दलों
और उम्मीदवारों से अप्रतिबद्ध मतदाताओं पर भी पड़ता है। तीसरा, मतदाता जीतते हुए राजनीतिक दल और जीतते हुए उम्मीदवार को मत देते हैं। मतदाता हारते हुए दल और उम्मीदवार को मत देकर अपने मत को नष्ट नहीं करना चाहते। चौथा है, लोकसभा चुनाव में मतदान राजनीतिक दलों पर आधारित होता है, लेकिन विधानसभा एवं स्थानीय चुनाव में मतदान उम्मीदवार पर आधारित होता है। पांचवा है, सहानुभूति लहर का भी मतदान व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। जैसे 1984 एवं 1991 के चुनावों में सहानुभूति लहर से कांग्रेस के मतों में वृद्धि हुई। राजनीतिक दल और उम्मीदवार जनता में राजनीतिक दल और उम्मीदवारों उम्मीदवार की जनता में विश्वसनीयता, जनता के दुख दर्द के प्रति उनकी संवेदना आदि तत्व मतदान व्यवहार को निश्चय ही प्रभावित करते हैं। मतदान व्यवहार में कौन सा तत्व कब अधिक प्रभावी होगा, कब कम प्रभावी होगा, यह कह पाना कठिन है। यह मानव मस्तिष्क पर आधारित है, जो अधिक जटिल, गूढ़ और गतिशील है। इस कारण अध्ययनकर्ताओं की भविष्यवाणियां भी गलत साबित होती है। इस प्रकार आज के इस व्याख्यान में हमने उन तत्वों का अध्ययन किया है जिन तत्वों से भारत में मतदान व्यवहार प्रभावित होता है। मतदाता उन तत्वों से प्रभावित होकर मतदान करते हैं। धन्यवाद।